होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज टॉप नाइन में, यानी कि दिन भर की 9 बड़ी खबरों से आप सभी हो जाते हैं रूबरू कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है बी टाउन में। भाई आखिरकार क्या कुछ हो रहा है बी टाउन में, ये सारी जानकारी आप सभी को मिलती है इस खास प्रोग्राम टॉप नाइन में। तो चलिए आपके एक्साइटमेंट का लेवल जो बढ़ रहा है उसे अब कम करते हुए दिखाते हैं हम ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की उल्ट पंजाबी कुड़ी अमृता सिंह यूं तो अपने जमाने की टॉप अभिनेत्री रही और मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने पहचान बनाई, जिन्होंने लगभग 50 फिल्मों में अपने किरदार को इस तरह से अपनी पहचान बना लिया कि हर कोई उनके नाम का डंका बजाने लगा था। 80 के दशक की हम बात कर रहे हैं जिस हीरोइन ने नवाब सैफ के प्यार में खुद को इस तरह से रखा कि प्यार में पड़कर शादी और शादी के बाद 2 बच्चों के जन्म देकर अमृता सिंह बॉलीवुड से पूरी तरह से दूर हो गई। सारा अली खान के अलावा अमृता सिंह के एक बेटे भी हैं जिनका नाम इब्राहिम अली खान है, लेकिन अपनी बहन सारा अली खान, अपनी मां अमृता सिंह और अपने पिता सैफ अली खान से बिल्कुल अलग है इब्राहिम, जिन्हें शौक फिल्मों में एक्टिंग करने का फिलहाल नहीं, लेकिन हाँ उन्हें क्रिकेट खेलने का काफी ज्यादा शौक। क्रिकेट के शौकीन है इब्राहिम अली खान, इसका खुलासा तो ये तस्वीरें करती हैं जो इस उम्र में क्रिकेट खेलते लगातार स्पॉट किए जाते हैं। स्पोर्टी हैं इब्राहिम अली खान, जिन्हें कई बार अपने पिता के साथ बैडमिंटन खेलते भी देखा गया है। तो वहीं इब्राहिम अली खान क्रिकेट के भी काफी ज्यादा शौकीन है, जो अपने पिता सैफ का साथ नहीं बल्कि अपने दादा मंसूर अली खान पटौदी देना चाहते हैं, उन्हीं की तरह क्रिकेट में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। इब्राहिम न्यू हेयरकट के साथ क्रिकेट प्लेयर के तौर पर नजर आए थे और उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया था जिसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बॉलीवुड के मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं, हाल ही में दीपिका पादुकोण को भाई देखा गया ग्रीस में, वो भी एक एड शूट के दौरान। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विदेशियों को अपने जलमों से किस तरह से दीवाना कर रही है दीपिका पादुकोण, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह से इंडियंस उनके दीवाने हैं तो भाई विदेशी भी दीवाने आखिर क्यों ना हो। आपको बता दें कि यहाँ पर दीपिका व्हाइट आउटफिट में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत अंदाज में दिखी, जहाँ से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर हैं वो तस्वीरें, और आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं कि दीपिका काफी ज्यादा खूबसूरत अंदाज में दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण जो है यहाँ पर अकेली दिखाई दी, उनके पति यानी कि रणवीर सिंह को यहाँ पर नहीं देखा गया। खबरें तो ये भी है कि दीपिका भी बेहद ही जल्द बड़े पर्दे पर एक शानदार फिल्म से वापसी करेंगी। बॉलीवुड के शानदार एक्टर कहलाए जाने वाले इरफान खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, हाल ही में इरफान खान बीते दौरान कैंसर की जंग से जंग लड़ रहे थे। तो ऐसे में जहां वो ये जंग जीत चुके हैं तो वहीं कहा जा रहा है कि इरफान खान बड़े पर्दे पर एक शानदार वापसी करेंगे। ऐसे में इरफान खान के दोस्त तिग्मांशु ने उनके लिए तमाम बातों का खुलासा किया, जहां पर वो कहते दिखाई दिए, इरफान के लंदन से देश लौटने के बाद मैं उनसे मिला हूँ, अब एक्टर पूरी तरह से ठीक है। इरफान के पर्दे पर वापसी के सवाल पर डायरेक्टर ने कहा कि इरफान ने खुद मुझसे कहा कि वो जल्द ही हिंदी मीडियम का रिमेक शुरू करेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी होने का खुलासा भी उन्होंने खुद ही किया था। अब उम्मीद की जा रही है कि जिस बीमारी से वो जीत चुके हैं अपने हिंदी मीडियम का सीक्वल भी वो बेहद ही जल्द बनाते दिखाई देंगे। बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट जो अक्सर ही खबरों में बने रहते हैं, भाई पुलकित सम्राट का नाता तो सलमान खान से भी है, ये तो हर एक कोई जानता है कि पुलकित सलमान के जीजा कहलाए जाते हैं, मगर ये क्या, तलाक के बाद अब पुलकित जो है कृति खरबंदा के साथ रोमांस करते देखे जा रहे हैं। जी हाँ, खबरें तो ये भी कह रही है कि पुलकित सम्राट जो है वो अब लिविंग में रहने लगेंगे। एक रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि कृति खरबंदा जो अंधेरी के पहले मिलत नगर में
तारापोर्ट टावर में रहती थी, अब वो पुलकित सम्राट की बिल्डिंग गोरगांव में शिफ्ट हो रही है। पुलकित गोरगांव में प्रीमियर हाइट्स टावर में 17th फ्लोर पर रहते हैं और इसी बिल्डिंग में कृति ने 9th फ्लोर पर शिफ्ट होने का फैसला लिया है। मानो कहीं ना कहीं सलमान को इन बातों का जानकारी मिलने के बाद वो हैरान होंगे, ये कहना गलत नहीं होगा। चंडीगढ़ में सलमान खान जब लेट नाइट उर्वशी रौतेला और CCL T10 को लेकर नजर आए, जो फिल्म भारत केक के दूसरे सिक्वल से लेकर टाइगर जिंदा है कि अगले सिक्वल सुल्तान के बाद दबंग 3 को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। वही सुपरस्टार सलमान, जिन्हें टाइगर का नाम दिया गया बॉलीवुड टाउन में, एक बार फिर से कटरीना से रिश्ता तोड़ उनका साथ छोड़ उनसे दूरियां बनाकर चंडीगढ़ में खूब मस्ती की। वही सलमान जो कि उर्वशी रौतेला के साथ भी एक ही फ्रेम में हंसते खिलखिलाते नजर आए। एक हुए उर्वशी और सलमान चंडीगढ़ में हुए CCL T10 के मौके पर, जहां दोनों को साथ देखा गया, एक ही कमरे में देखा गया, टीम के साथ खूब मस्ती करते देखा गया। देखिए ये तस्वीर, जहां की तस्वीर हम लाए हैं आपके बीच। उर्वशी सलमान को आपने इससे पहले भी कई बार मिलते जुलते देखा होगा, लेकिन अब देखना होगा उर्वशी के लिए सलमान का प्यार क्या फिल्म में भी देखने को मिलेगा या फिर ऐसे ही ऑफ स्क्रीन इनकी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। बात तो आप ही जानते हैं, जब भी बॉलीवुड की बीबू करीना कपूर खान पर्दे पर आती है तो सबकी निगाहें उनकी खूबसूरती पर जाकर थम जाती हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट में बता दें, सरोगेसी के जरिए एक बार फिर माँ बनेंगी करीना, लेकिन 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 रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ। आने वाली फिल्म गुड न्यूज की शूटिंग में व्यस्त करीना कपूर खान बेबी बम फ्लॉन्ट करती नजर आई अपनी फिल्म के लिए हाल ही में, जिसके बाद ये खबरें तेजी से फैलने लगी कि करीना बन रही है माँ। वह आपको बता दे, अपने हस्बैंड सैफ अली खान को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहने वाली करीना ने ये खुलासा खुद ही किया है कि वो माँ रियल लाइफ में बन तो नहीं रही है, लेकिन हाँ अक्षय के बच्चे की माँ बनेंगी फिल्म में, क्योंकि कहानी है गुड न्यूज की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। गुड न्यूज फिल्म की इंटरेस्टिंग कहानी में कियारा एडवानी के जरिए उनकी मदद के जरिए दिलजीत दोसांझ और कियारा एडवानी इन दो स्टार्स की मदद के जरिए सैरोगेसी के माँ बाप बनना चाहते हैं अक्षय करीना, यही देखेंगे आप फिल्म में, जो कहानी काफी लाजवाब है। ऐसे में रियल लाइफ में अक्षय के बच्चे की माँ करीना बनेंगी, जिन्होंने इससे पहले अक्षय के साथ फिल्में भी की। देखना दिलचस्प होगा कि सैफ की होश कैसे उड़ेंगे जब करीना अक्षय के साथ एक बार फिर से बॉलीवुड में धमाल करेंगे। बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बॉयफ्रेंड और बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर हाल ही में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ एक इंटरव्यू में शामिल हुए थे। इस इंटरव्यू के दौरान अनुष्का शर्मा ने कहा कि 3 साल पहले रणबीर ने उनके साथ ऐसी हरकत की थी जिसके बाद वो उन्हें असलियत में थप्पड़ मारना चाहती थी। इस इंटरव्यू में जब अनुष्का से पूछा गया कि क्या कभी उनका रणबीर को असल जिंदगी में थप्पड़ मारने का मन करता है, इस पर अनुष्का शर्मा ने कहा, मैं हमेशा से उसे मारना चाहती थी। ऑन स्क्रीन मुझे रणबीर को थप्पड़ मारने के लिए कहा गया था, लेकिन असल जिंदगी में किसी को मुझे ऐसा करने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। अनुष्का ने आगे कहा, वो मुझे परेशान करता है, मेरी परेशानी को और बढ़ा देता है। उसने कई बार मेरे कपड़ों से हाथ पोछे, मेरे हाथ पर छींक भी देता है, वो खतरनाक है। जी हाँ, अनुष्का शर्मा ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा कि वो आलिया भट्ट के बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर को जोर का थप्पड़ मारना चाहती हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड अनन्या पांडे हाल ही में सोन चिरैया की स्क्रीनिंग में शामिल हुई थी, जहां पर सारा अली खान का बर्ताव कार्तिक की र्यूमर गर्लफ्रेंड अनन्या पांडे के साथ काफी ज्यादा शानदार था। आइए आप भी देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में।
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की पति विराट कोहली और एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के रिश्ते की सारी पोल पट्टी खुल गई है। जी हां, खबरों की माने तो एक वक्त था जब विराट कोहली और एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब हाल ही में तमन्ना भाटिया ने सालों बाद विराट कोहली संग अपने रिश्ते की सारी पोल पट्टी खोल दी है। खबरों की माने तो इंटरव्यू में बाहुबली फेम तमन्ना भाटिया ने विराट कोहली संग डेटिंग पर बयान दिया है। उनका कहना है कि एड फिल्म की शूटिंग के बाद वो कभी विराट कोहली से नहीं मिली और ना ही उनके बीच बातचीत हुई है। तमन्ना ने कहा, मुझे लगता है एड शूट के दौरान हमने एक दूसरे को चार शब्द कहे होंगे। इसके बाद मैं कभी ना विराट से मिली और ना ही हमने कभी बात की है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2012 में विराट कोहली और तमन्ना भाटिया के अफेयर की खबरें खूब आसमान छू रही थी। दोनों ने एक एड फिल्म में साथ काम किया था, जिसके बाद उनके अफेयर की खबरें खूब आसमान छूने लगी थी। उन्होंने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। तमन्ना भाटिया विराट कोहली और अपने रिश्ते को लेकर कितना सच बोल रही हैं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन तमन्ना भाटिया का ये साफ तौर पर कहना है कि उस एड शूट के बाद वो विराट कोहली से कभी नहीं मिली है। तमन्ना का ये बयान सुनकर कहीं विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा सदमे में न रह जाए। तो यकीनन आप सभी हो गए रूबरू आज की 9 बड़ी खबरों से। भाई क्या कुछ हो रहा था बी टाउन में, ये सारी जानकारी मिल चुकी है आपको। कौन से सितारे ने क्या किया, कौन से सितारे ने क्या नहीं किया, ये सब कुछ पता चल गया आपको टॉप 9 में। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।